आज 16 सितंबर बुलंद इकबाल साहब की बरसी के मौके पर आगरा रोड शान हिंद अवामी राबता ऑफिस पर एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मकसद ये कि जिस तरह से बुलंद इकबाल की सियासी समाजी जिंदगी रही, गरीबों की और जरूरतमंदों के काम आना, इसी मकसद से ये मेडिकल कैंप रखा गया कि लोग इससे फायदा उठाएं और जो जरूरतमंद है, जो बहुत रुपया पैसा नहीं खर्च कर सकते, ऐसे जरूरतमंद यहाँ से अपना इलाज करवा ले और मुफ्त में कई चीजें यहाँ दी जा रही है, उसका फायदा उठाएं। ये मेडिकल कैंप बुलंद इकबाल हेल्थ कमेटी के मातहत रखा गया, जिसमें सलीम गढ़वाल, मसीउल्ला, रईस सितारा, तौहीद अंसारी, अब्दुल रहमान, हमारे पापा लाइट वाले और इनके साथ कई लोगों ने कोशिश की। मैं तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मालेगांव शहर में किसी की बरसी हो या किसी का जन्मदिन हो, अगर वो सियासी सामाजिक काम काज किए तो इस तरह का लोगों की हेल्प करने का रिवाज पड़े, लोग काम काज करे, वो किसी भी पार्टी से मुंसलिक हो, किसी भी सियासी सामाजिक बैनर से मुंसलिक हो, मगर लोगों का काम काज करना, यही असली खैराज अकीदत हम मानते हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बया, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बया। बुलंद इकबाल साहब की जिंदगी का अगर मुतालिया किया जाए तो ये बात खुलकर साफ तौर पर सामने आती है कि बुलंद इकबाल साहब की जिंदगी का मकसद रहा कि लोगों के काम आ जाए, किसी भी हवाले से समाज के काम आ जाना इस इंसान का मकसद रहा। और आज उनकी चौथी बरसी के मौके पर शान हिंद साहबा मुस्तकीम डिग्निटी साहब और उनकी पूरी टीम की जानिब से यहाँ पर मेडिकल कैंप का इनकार किया गया, जो कि पूरी तरीके से मुफ्त तो है। यहाँ पर जो मेडिसिन दी जा रही है उसका भी कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, जो दवाएं दी जा रही है उसका भी कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर फॉर्म के नाम पर भी किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लिया गया। इस बात को पूरी तरीके से नोट कर लेना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बारान रहमत का नुजूल हो रहा है, उसके बावजूद शहरियान इससे मुकम्मल तौर से पूरी तरीके से फायदा उठा रहे हैं, जो कि एक खुशाइंद अमल है। मैं बुलंद इकबाल मेडिकल हेल्प कमेटी के तमाम तर सदर अराकीन जिम्मेदारान को भी मुबारकबाद पेश करूंगा कि एक अच्छा काम है, ये समाज के लिए, माशरे के लिए फायदा मंद कदम है, इस पर अमल होना चाहिए। और शायर कहता है कि सहर इंसानियत का है तकाजा दहर फानी में, सहर इंसानियत का है तकाजा दहर फानी में, किसी के काम आ जाए तो अपनी जिंदगी दे दो। आज उसी मकसद को ये कारवां आगे की समत लेकर के चल रहा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और बुलंद इकबाल साहब के लिए तो मैं सिर्फ इतना कहूँ कि हर दौर में रोशन तेरा पैगाम रहेगा, लोगों का ना तुझ पर कोई इल्जाम रहेगा, और तू हम में रहे या ना रहे यार मेरे सुन, दुनिया में मेरी जान तेरा नाम रहेगा, दुनिया में मेरी जान तेरा नाम रहेगा। अल्लाह हाफिज।